फर्स्ट अक्टूबर को एचएस का प्रीलिम्स है, तो उसी लाइन पर जोगटा एकेडमी ने एक मेगा टेस्ट करवाया है आज के दिन, जो कि हमारे बहुत सारे सेंटर में जैसे शिमला है, धर्मशाला है, मंडी है, सोलन है, नान है, अमीरपुर है, और दो सेंटर हमारे चंडीगढ़ में, यहाँ पे ये टेस्ट करवाया है। इस टेस्ट को करवाने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको करने के ज्यादा चांसेस रहते हैं और किस तरह से प्रेशर को हैंडल किया जा सकता है। और दूसरा है कि जब हम देखते हैं कि जो जनरल स्टडी बहुत वास्ट है तो इसमें बहुत सारे एरियाज आते हैं, बहुत सारे थीम्स आते हैं, बट हमने 3-4 साल के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये आइडेंटिफाई किया है कि कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे थीम्स हैं जिसमें से 60% जो पेपर है वो आता है, तो उन्हीं के आधार पर हमने ये पेपर बनाया है। एक मॉडरेट सा पेपर बनाया, ना बहुत ज़्यादा टफ है ना ही बिल्कुल आसान है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस साल एग्जाम देंगे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा ये पेपर, और खासकर वो लोग जो हमारे पास आज अपियर हुए इस एग्जाम के लिए, करीब करीब 1500 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये एग्जाम दिया, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट है ये। तो जिसको मैं मेगा टेस्ट नहीं बोलूंगा, ये अपने आप में एक मिनी एचपीएस टेस्ट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है जोगटा एकेडमी ने पूरे हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में एक मेगा एचएस मॉक टेस्ट का आयोजन किया था। इस मेगा मॉक टेस्ट में दोनों GS1 और CSAT के एग्जाम को रखा गया था। मैं संजौली से बात कर रहा हूं। संजौली में लगभग 150 से ज्यादा अभ्यर्थी इस पेपर को देने आए थे और सभी का मानना यह है कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो अच्छा था, CSAT का पेपर भी अच्छा था। बेसिकली इस मेगा मॉक टेस्ट को करवाने का ये आइडिया था, एक तरह से एक मिनी एचएस के रूप में इसको लेके आए ताकि बच्चों को एक बेसिक तरीके से एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाए कि 1 अक्टूबर को वो क्या देख सकते हैं इस साल के प्रीलिम्स में। जोगटा एकेडमी के प्रयासों से बच्चों के भविष्य के लिए या फिर आने वाला जो एचएस एग्जाम है उसके लिए बच्चों को वॉर रेडी करने के लिए जो एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ जो जोगटा सर ने जो एक इनिशिएटिव बच्चों के बीच में रखा है उसकी अपार सफलता के बाद मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाहता हूं कि अभी तक इतिहास में हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में तो हमने इस प्रकार के प्रयास या फिर इस प्रकार के मेगा टेस्ट कभी नहीं देखे। हाँ, इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर इस तरह के जो प्रयास थे वो होते रहे हैं और बच्चों को इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी मिले हैं। यूपीएससी के एग्जाम में देख लीजिए आप, इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं, बट एचएस के केस में इतने बड़े लेवल का ये जो इवेंट या फिर जो ये एग्जाम ऑर्गेनाइज किया है इसके लिए मैं जोगटा एकेडमी या फिर जोगटा सर का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं।